बचा बचा ये कमला। ये कहानी है 10 साल पहले की, जब ये घर इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही ज्यादा छोटा था, और इसके अंदर रहती थी एक कमला नाम की लड़की, और वो एक दिन अचानक से मर जाती है। और अब इस घर में रहने के लिए आए थे दो पति पत्नी, और उनको ये नहीं पता था कि ये घर बहुत ही ज्यादा भूतिया है, इसमें कमला नाम की भूतनी की आत्मा भटकती है। ओ, ये बहुत ही ज्यादा मस्त घर है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों नहीं होगा, बहुत ज्यादा रुपए में खरीदा है, तो चलो अब यहाँ पे क्या करें, अंदर चले। हाँ हाँ चलो चलो अंदर चलते हैं। और वो इसके बाद अंदर चले गए। बहुत सालों बाद कोई अंदर आया है। और उसी रात को सब लोग सो गए थे, पर कमला अचानक से आकर इस लड़की के अंदर चली जाती है। ये इतनी ज्यादा आवाज कहां से आ रही है, ये किधर चली गई, ये क्या, इधर अभी कुछ दिखा था ना। अरे यार किसने मारा मुझे लात को, ये भूतनी कौन है। अब कमला ने इस लड़की के अंदर कब्जा कर लिया है। भागो भागो भागो, इसके अंदर तो भूतनी घुस गई, भागो। ये भी भाग गया, फिर आएगा। अब इसके अंदर से भूतनी निकालने के लिए मुझे बाबा CX के पास जाना पड़ेगा। बाबा CX। अरे 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 अरे, इतना जोर से क्यों बोला, क्या हुआ। बाबा हमने कोई एक नया घर लिया था, और उसी दिन हम रुके थे रात को, और कमला नाम की किसी भूतनी ने मेरी पत्नी के अंदर कब्जा कर लिया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहाँ पर है तुम्हारा घर। पुलिस स्टेशन के पास जो घर नहीं है, जो मतलब बहुत ही बड़ा है ना, वो वहाँ पर रहते हैं। अरे भाई साहब, तुम उस भूतिया घर में रहते हो जो कि सबसे ज्यादा पुराना था, और वहाँ पर एक कमला नाम की भूतनी भी है, तो मतलब उसने किया है कब्जा। हाँ हाँ उसी भूतनी ने किया है कब्जा। ओहो अच्छा बालक, तो चलो इस मेरे ऑटो रिक्शा में बैठो और चलो चलते हैं। कहाँ पर जाना है। अबे मूर्ख बालक, तुम्हारे घर चलना है, चलो चलो फटाफट चलो। ओ आप ये ऑटो रिक्शा क्यों चला रहे हो। ओ ये अपना साइड बिजनेस है, कभी कभी आता नहीं ना कोई भूतनी, तो हम ये ऑटो चलाते रहते। चलो चलो फटाफट चलो, फटाघर चल, घर चलते हैं। अच्छा तो ये है वो घर कमला का। भाई साहब बहुत ज्यादा ही बड़ा है और महंगा वाला, मतलब पुराने टाइम तो कुछ अलग ही होगा ना, वो कमला नाम की भूतनी बहुत पुरानी है। हाँ घर तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है और भूतनी इसी अंदर है, तो वो बालक कहाँ है, उस बालक से कुछ बात करनी है। देखो मैं जा रहा हूँ आज अंदर, और आऊंगा मैं कल, मतलब मैं पूरी रात अंदर रहूंगा और भूतनी से मतलब बातचीत करके आऊंगा, वो भूतनी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तो मैं तुम्हें ये सामान देता हूँ, इस सामान को लो और लेकर आओ। ओके ये तो चला गया, अब मुझे जाना है अंदर। भाई मेरे तो पहले से फट रही है। हाँ चलो चलो, वैसे अब क्या ही कर सकते हैं, घर इतना मस्त है तो अंदर जाके भी देख लेते कैसा है। चलो चलो आज ही रात को यहीं पे रुकेंगे, रात को देखेंगे क्या होगा। ओके रात तो हो गई है और लाइट भी चालू हो गई है, अब देखते हैं कि क्या होता है, कमला आएगी या नहीं आएगी, या मुझे देख के पहले से भाग गई। हाँ तो जब तक ये आई नहीं तो हम ऐसे भटक लेते ना, इधर उधर घर भी देख लेते, क्योंकि इतना बड़ा घर तो देखा ही नहीं हमने, तो चलो देखते। अरे बाबा ये ऊपर से आवाज आई ना, तो इस हिसाब से तो ये पता चलता है कि भूत नहीं तो ऊपर है, मतलब ऊपर है तो नीचे कुछ नहीं है। अच्छा तू आया मुझे पकड़ने के लिए। ओ ये क्या, ये तो भूत नहीं है। अब ये तो कितनी खराब दिख रही है। ओ भाई साहब ये किधर गई, किधर गई, ये गायब कैसे हो गई, ये किधर चली गई, पता नहीं अब किधर होगी। ओ
भाई साहब ये कमला नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब, इसने तो मेरा ही बजा दी। इस कमला को मारने के लिए मुझे दो बड़ी भूतनी को मिलाकर उसकी पावर से इसको मारना पड़ेगा। और इसका मुंह भाई साहब बहुत ही ज्यादा, मतलब पूछो मत भाई। चल चलो यहाँ से चलते हैं और दो भूतनियों को पकड़ते हैं, मतलब मारते हैं, यहीं पे भटकती रहेगी ना मतलब रात को, तो चलो चलो चलो। वो बालक किधर गया? अरे बाबा आपको क्या हुआ, वहाँ पे क्यों गिरे हुए क्यों थे? मैं वहाँ पे नहीं आया, मुझे लगा कमला आ जाएगी। क्या तुझे दिख गया मैं? वो मैं ध्यान मुद्रा में चला गया था तो वहीं पे सो गया। नहीं नहीं कमला ने धोया है। देखो बालक मैं अभी जा रहा हूँ, दो भूतनियों को पकड़ूंगा, उसकी पावर से इस कमला को मारूंगा, मतलब कमला बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी। तो गाइस चलो हम एक भूतनी को पकड़ेंगे, मतलब दो तीन भूतनियां यहाँ पे फिरती होगी ना, तो दो भूतनी को पकड़ेंगे और उनको मारेंगे और उनकी पावर लेके हम एक इस कमला को टपका देंगे। ठीक है समरिया। और ये सारी भूतियां ज्यादातर तो गाँव के पास ही होगी क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होता रहता है और ये टपकते रहती है ना एक्सीडेंट से, तो चलो फटाफट चलते हैं। ओके भाई साहब रात तो हो गई है और मुझे यहाँ पर एक भूतनी पहले ही मिल गई है, तो चलो ये रही वो रही भूतनी, देख लो वो व्हाइट कलर की है और वो रही भूतनी, तो चलो उसके पास जल्दी चलते हैं। ओह भाई साहब इसका मुंह तो देखो भाई साहब कितना ज्यादा बुरा दिख रहा है भाई, ये भूतनी बहुत अलग है और ये भूतनी सी मुझे दिखेगी, आस पास के लोगों को नहीं दिखेगी। क्या ही करे, रुक रुक चाले इसको पूरा टपकाना पड़ेगा। ओके गाइस एक भूतनी को हमने टपका दिया है, अब चलते हैं दूसरी भूतनी को ढूंढते हैं और उसको भी टपका देंगे, वो भी इधर ही कहीं पर रहेगी। ओके गाइस फाइनली हमें दूसरी भी भूतनी मिल चुकी है और वो रही यारी, चलो इसको भी मारते हैं फटाफट और इसकी पावर लेके चलते हैं। तो चलो भाई लोगों अब उस कमला को बताने की बारी आ चुकी है, चलो फटाफट चलते हैं। ओके अब आ जाना भूतनिया, मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी पावर। और बाद में इस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने लग गए, जैसे ही पढ़ने लगे तो बस भाई लोगों आज के लिए यही तक ही, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।